हाय गाइस, आज के क्लास आलोचना करब अबाउट फायर, जेखने थाकबे फायर की, फायर कत प्रकार और फायर एड़ाते हमें की करा उचित। तो प्रथम जेटा हमारे फायर की, फायर होच्छे एक केमिकल रिएक्शन, बातासेर अक्सिजें और फुएलर भेतरकार जो केमिकल रिएक्शन सेटा होच्छे फायर। और ये केमिकल रिएक्शन हवार जोन्नो एक साफिशियंट टेम्पारेचार प्रयोजन है, जार जोन्नो हिटर दरकार। और ये साफिशियंट टेम्पारेचारटा एटा होच्छे इग्निशन टेम्पारेचार नामे परिचित। काजेई ये तीनटे जिनिस, तीनटे एलिमेंट अक्सिजें, हिट और फुएल, ये तीनटे एलिमेंट जखन एके अपरेर संस्पर्शे ना आसबे ततक्षण किन्तु फायर उत्पन्न होबे ना। तो आज हम क्लास में फायर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो फायर क्या है ना, फायर फ्यूल एंड ऑक्सीजन का एक केमिकल रिएक्शन होता है। और एक केमिकल रिएक्शन जब क्या ना एक हीट के संस्पर्श में आता है तब वो फायर का उत्पन्न करता है। फायर होने के लिए हमें ये तीन एलिमेंट की ज़रूरत होगी, एक है ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। ये तीनों चीज़ जब तक ना एक दूसरे के संस्पर्श में आए तब कोई फायर उत्पन्न नहीं होगा। एखन देखा जाए फायर कत रकम है। फायर मेनलि तीन धरण देखते पा, कोथाओ देखते पा ए बी सी, कोथाओ देखते पा ए बी सी डी, कोथाओ देखते पा ए बी सी डी एंड के। फायर मेनलि तीन प्रकार का होता है, ए बी सी। किसी किसी बुक पे आपको देखने को मिलेगा ए बी सी डी एंड कहीं कहीं ए बी सी डी एंड के। क्लास ए फायर मध्य देखा जाच्छे ऑर्डिनरी कम्बस्टेबल्स आछे, माने जो सॉलिड मैटेरियल जेमन काट, उड, पेपर, ए टाइपे जो जिनिस आछे सेगुलो सब क्लास ए फायर मध्य पड़छे। क्लास ए फायर के अंदर आता है हमारा जो सॉलिड मटेरियल्स है, मानो वुड, पेपर, क्लॉथ, ये सब चीज़ आता है क्लास ए फायर के अंदर। क्लास बी फायर मध्य पड़छे जो तो फ्लामेबल लिक्विड्स आछे, लिक्विड्स एंड गैस जो तो आछे सेगुलो सब पड़छे क्लास बी फायर मध्य। तो क्लास बी फायर के अंदर हमारा आता है जितने सारे फ्लामेबल लिक्विड्स आछे, लिक्विड है और गैस है, ये सब कुछ आता है हमारा क्लास बी के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट होच्छे आमादेर क्लास सी फायर। क्लास सी फायर मध्य पड़छे आमादेर इलेक्ट्रिकल जो तो फायर आछे, माने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स थेके जे धरनेर आगुन लागे सेगुलो क्लास सी फायर मध्य पड़छे। तो क्लास सी फायर के अंदर हमारा आता है जितने सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उनसे जो आग लगता है वो सब चीज़ क्लास सी फायर के अंदर आता है। नेक्स्ट होच्छे क्लास डी फायर। क्लास डी फायर मध्य आमादेर की पड़छे ना जो तो मेटालिक फायर आछे, माने मेटल थेके जे धरनेर आगुन धरे सेगुलोके क्लास डी फायर मध्य धरा हयेछे। नेक्स्ट हम लोगों का है क्लास डी फायर। डी फायर के अंदर मेटल्स से जो हमारा आग लगता है उसे क्लास डी फायर के अंदर अंतर्गत किया गया है। एबार होच्छे क्लास के फायर, माने कुकिंग गैस ऑयल थेके जे धरनेर आमादेर आगुन लागे सेटा किन्तु क्लास के फायर मध्य धरा हयेछे। और जो लास्ट में है वो है क्लास के फायर। क्लास के फायर का अंतर्गत क्या आता है ना, जो किचन से माने कुकिंग ऑयल गैस से जो जिस टाइप का आग लगती है वो होता है क्लास के फायर। और ये फायर कारण किन्तु प्रचुर क्षय क्षति है, और जेमन जिनिसपत्र पुड़े जाए तेमन किन्तु मानुषेर जीवनों चले जेते पारे। तो फायर लगने से हमारा बहुत नुकसान होता है और इसे हमारा जान भी जा सकता है। और जाते ये फायर ना लागे तार जोने किछु किछु प्रिकॉशन्स आमादेर मेने चलते हबे, जेमन आमादेर किन्तु स्टोरेजटा सब समय ठीकठाक भावे गुछिए रखते हबे। और इस आग से बचने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशन्स माननी होगी, जैसे कि हमारा जो स्टोरेज होगा उस जगह पर जो हर एक चीज़ होगा उसे अलग अलग जगह पे उसे रखना चाहिए, एक सही ढंग से रखना चाहिए। और जो इनफ्लामेबल मटेरियल्स है जैसे कि ऑयल, गैस, इसका एक सेपरेटली एक अलग जगह पर रखना चाहिए। ऑयल, गैस एगुलो के एक आलादा जगह रखते हबे, जाते कि ना एखान थेके जेनो कोनो रकम भावे आगुनटा धरे ना जाए। जितने सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उसे अच्छी तरह से उसका देखभाल करना, उसका मेंटेनेंस करना, और वर्कशॉप से निकलने से पहले उसका स्विच ऑफ कर देना। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आछे सेगुलोके भालो करे मेंटेन करा, वर्कशॉप थेके बेरोनोर समय स्विच अफ करे देवा, आर आमरा वर्कशॉपे बाकेटे करे बाली भरे रखते पारी। और क्या है ना, वर्कशॉप में हम बाकेट में सैंड भर के रख सकते हैं। यही छिलो आजकेर क्लास। कारो जदि कोथाओ कोनो प्रश्न थाके तबे अवश्यई आमाके कमेंट करे जानाते पारो। तो आज का क्लास यही तक था। अगर किसी को कुछ जानना है तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई नए है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।